चले गाइस मैडम को पूछ लो और तेरा मोबाइल आ रहा है जैसन पीछे करके डन थोड़ा आगे आ जाओ ना फ्रेम कटिंग कर हो गया ना डन बराबर है उसे पे रखना है तेरा या सर लोग क्या काम को या सेंटर लोग ठीक है रेडी लोग सर लोग सेंटर है ये और काम है व्यस्त इसलिए माफ कीजिए मैं एक वन लाइन में डिस्कस आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ससुइया के दोहरे ज्यों नाबक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर क्या बात ये वन लाइन स्टोरी है काशीनाथ पांडे की आपने कितनी सारी फिल्मों मेरा नाम दीक्षा धामी है और अभी जो मैं ये किरदार प्ले कर रही हूँ इसका नाम पूजा है जो कि घर में सबकी लाडली है जैसे कि मैंने बताया बहुत चुलबुली है इसके सबके साथ सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अपने अपने टर्म्स है अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ और अपने हस्बैंड के साथ मतलब सारे कैरेक्टर्स के साथ अपने अपने फ्लेवर के साथ वो बॉन्डअप है और मॉडर्नाइज भी है और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के रीति रिवाज के साथ साथ उन चीज़ों को फॉलो अप भी करती है जो मेरा किरदार है ध्रुव काशीनाथ पांडे का बहुत ही अलग किरदार है डेफिनेटली मुझसे तो बहुत ही ऑपोजिट है मैं थोड़ा हंसमुख हूँ हंसता खेलता रहता हूँ शरारती हूँ थोड़ा और ये जो कैरेक्टर बहुत ही समझदार है बहुत कम बोलता है लेकिन हर चीज़ को समझता बहुत प्यार से और माँ का लाडला अपने फादर का लाडला भाई का लाडला भाभी का लाडला घर में हर किसी का लाडला है ये है और कैरेक्टर के बारे में भी एक लाइन में बोलूँ तो बहुत प्यारी और पॉजिटिव औरत है जो फीमेल है घर में भाभी है भाभी की बहू है तो उस तरह से जेलसी नहीं रखती है और ना ही ननद होने के नाते डोमिनेट करती है किसी को कि मेरी ही चलनी चाहिए पर बहुत पक्की है उसूलों की पूजा पाठ टाइम पे होना चाहिए सारे रीति रिवाज तीज त्यौहार तरीके से मनाने चाहिए जो हमारे बड़े करते आए हैं रहे और मैं अभिषेक पांडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसमें जो ध्रुव का बड़ा भाई है मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है लेकिन एक बर्डन तो है क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टफ है उस तरीके से कि घर को संभालने वाला है जैसे राम लक्ष्मण जैसे प्रभु श्री राम थे सब उनके ऊपर भरोसा करते थे सब डिपेंडेंट रहते थे उनके ऊपर कि ये अच्छा है ये सब कुछ संभाल लेगा सब कर लेगा तो मेरा कैरेक्टर कुछ कुछ वैसा ही है किस्मत के साथ साथ हमारे अपने कर्मों पे भी विश्वास रखती हूँ मैं आई थिंक किस्मत उनका साथ देती है जिनके कर्म अच्छे हो तो हमारे हीरो का नाम भी कर्म ही है तो इसीलिए देयर वाज अ जोक देयर बट हाँ आई थिंक मेहनत करने वालों की और दूसरों के बारे में अच्छे सोचने वालों की एट द एंड ऑफ द डे अच्छी होती है और हमारे हाथों में सिर्फ उतना ही है हम बाकी सब किस्मत भरोसे रख सकते हैं सो या आई थिंक दोनों का हाथ होता है किस्मत का भी और हमारे अपने कर्मों का भी हाय माय नेम इज़ केतकी कदम आई एम प्लेइंग सृष्टि चौबे किस्मत पे तो बहुत भरोसा है आई बिलीव इन डेस्टिनी मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल सीधी सादी कंपोज्ड काम ऐसे सुशील लड़की है जो घर में सबकी फेवरेट है जैसे ही उठती है वो पूजा पाठ करती है गर्ल नेक्स्ट डोर है जो सबको बहुत पसंद आती है हमेशा सबका ख्याल रखती है हमेशा मदद करती रहती है शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड एकदम स्वीट सीधी सादी टाइप ऐसी लड़की है वो दंगल टीवी पे ये मेरा दूसरा शो है हालांकि उससे पहले दूसरे शोज अलग अलग चैनल्स के लिए हुए हैं अभी ये जो आफ्टर लॉकडाउन जो शुरू हुआ है ये दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड वेलकम अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव एक्सेप्टेड दिस ऑफर
because this show is little unique in terms of the storyline, which I will not reveal, of course, but कुछ नया है जो आई थिंक ऑडियंस ने टेलीविजन पे इस तरह के ट्विस्ट और इस तरह की स्टोरी लाइन नहीं देखी होगी अब तक. और जहाँ तक हमारे कैरेक्टर्स का सवाल है और स्टोरी का सवाल है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है. आम जो होता है कि एक परिवार में जिस तरह से बच्चियों को लेकर अपनी बेटियों को लेकर के एक इनसिक्योरिटी रहती है थोड़ी, और उनके बारे में चिंता रहती है किस तरह से उनको सेटल करना है लाइफ में. हर एक बाप की एक तमन्ना रहती है, कामना रहती है, तो वही ऐसे ही एक बाप का किरदार मुझे मिला है यहाँ करने को. जी, मेरा नाम उर्वशी उपाध्याय है और रंग जाऊँ तेरे रंग में, इसमें मैं रूपा पांडे का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि ध्रुव एंड उसके दोनों बेटे हैं. एक बहू आ चुकी है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है. एंड फॉर चेंज, अब तक मैंने बहुत नेगेटिव रोल्स किए हैं एंड बहुत ही मतलब हार्डकोर नेगेटिव किए, लेकिन फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग वेरी 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 पॉजिटिव. तो अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज है इतना पॉजिटिव रोल प्ले करना, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये रूपा ऐसी है जिसको सजना सवरना, आप मेरे लुक से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे सजना सवरना बहुत पसंद है. अपनी पहले की जो ज़िंदगी है, पहले काशी पांडे ने बहुत स्ट्रगल करके इस लेवल पर पहुँचे हैं, बहुत सारे उनके आप शो में देखेंगे ही. देखिए, ये दंगल टीवी के बारे में हम यही बताएंगे आपको कि मेरा जो प्रोफेशन है वो एस्ट्रोलॉजी का है, और ये जो मैंने रंग जाऊँ तेरे रंग में ऐसा है कुछ, रंग जाऊँ तेरे रंग में ऐसा कुछ शो है का नाम है. तो अभी ये जो कुंडली मिलाप हुआ लड़के और लड़की का, और साथ साथ में ये जो मुहूर्त बना यानी कि मेष लग्न में ये शो की, इस शो की शुरुआत है, और काफ़ी आगे जाएगा ये शो, बहुत पॉपुलर होगा, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे. कि इसकी पूरी जो कहानी है जो मैंने थोड़ी बहुत जानी वो ये है कि ये जो शो है वो आम पब्लिक, जो आम जनता है, उसका ही विषय है ये.